ए यूगा इज हाई एवरीबरी सो यार आज हम लोग मिले हैं किस चीज के लिए हाउ टू एस द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ बायलॉजी आई थिंक इट इज एप्लीकेबल टू ऑल अदर सब्जेक्ट ऑल्सो ये बाकी सब सब्जेक्ट पर भी एप्लीकेबल हो सकता है सो uh, so, मैं बिकॉज यू नो बायोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगी हाउ डज इट गो सो बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि मैम जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है बायलॉजी के उसको कैसे पढ़ा जाए Hmm? वो चैप्टर को कैसे हो ना कभी उठाने का ही मन नहीं करता है उसको राइट right? सो so, उसको कैसे पढ़ा जाए ठीक है तो देखो डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट द डिफरेंट चैप्टर्स आर सीम्स टू बी डिफिकल्ट राइट जैसे कई बहुत सारे बच्चों का जेनेटिक्स बहुत उनको लगता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड यू नो ऑल दीज फिजियोलॉजी टफ लगता है कहीं को एवोल्यूशन टफ लगता है कहीं को किंगडम टफ लगता है इट्स ऑल अप टू यू तो आई एम गोइंग टू गिव यू इज की मोस्ट एक एक टिप्स आपको इसमें से तीन आपको कॉन्कर करने के लिए उसको जीतने के लिए हो। हो yes? तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले यार आगे जाने से पहले मैं आपको एक जो टिप है एक्स्ट्रा में दूंगी बोनस टिप है जो कि अः आप में से बहुत लोग जो होंगे वो नॉकटर्नल हैं रात को पढ़ते हैं बहुत अच्छा होगा अगर आप इस चैप्टर को सुबह उठ के पढ़ेंगे तो राइट वाई बिकॉज सुबह पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि एनर्जी थोड़ी ज्यादा हाई होती है हमारी लेकिन अगर आप ये नहीं ये काम करती है चीज तो आप रात को भी पढ़ सकते हैं और अगर कर सकते हो यार एक डिफिकल्ट चैप्टर के लिए तो एक चैप्टर के लिए सुबह चार बजे उठ जाना ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू सो लेट अस जस्ट सी दैट यार थ्री थ्री टिप्स, टिप्स. व्हाट ऑल द सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग चैप्टर. आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पूरी की पूरी ग्यारहवीं या बारहवीं टफ लगती है इट्स नॉट लाइक दैट इट विल ऑलवेज बी अ वन थिंग वन चैप्टर इट वुड बी एंड पूरे के पूरे चैप्टर में भी देखना तुम कि तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर नहीं लगता होगा टफ uh, से दो या तीन या चार टॉपिक मैक्स टू मैक्स पांच टॉपिक होंगे ना फेयर को ओवरकम करने का सबसे पहला तरीका होता है जाओ और उसको जाके फेस करो सो जस्ट कन्फ्रंट करो अच्छा ये टॉपिक मुझे टफ लगता है ये टॉपिक ये टॉपिक है एक चैप्टर में से ठीक है

एक, दो या तीन या चार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली जिन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं आप टेन इयर्स को स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा तो इतना तो कर ही सकते हैं ना राइट तो स्टडी करो एटलीस्ट पांच साल का स्टडी कर लो कि कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो पूछे गए हैं आपने उसका लिस्ट तैयार कर लिया चलिए नंबर दो हो गया नंबर तीन जो कि मस्ट डू है यार दैट इज अटेंडिंग द लेक्चर्स ऑफ योर फेवरेट टीचर यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपकी में पढ़ाते wherever you go, बहुत जरूरी है आपके क्लासेसुलर टॉपिक का अब आप ये भी नहीं कह सकते कि यार मैम मेरे पास तो एक ही टीचर है अरे मुझे तो उससे पढ़ना पड़ता बिकॉज आप जिस हिरा में रह रहे हैं यार यू हैल्टीपल ऑप्शन आई एम श्योर अबाउट दैट ठीक है ना तो जाओ बहुत जरूरी है आपको पता एक बात बताती हूँ आप

पढ़ते हुए आपने सबसे जरूरी चीज क्या करनी है देखो ये जो तो तीन मेन स्टेप हैं जो आपको करने ही करने टू द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ठीक है ना ये बहुत प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन मैंने आपको दिया है कहीं से कॉपी नहीं है है नथिंग इज दैट जो जो मुझे लगा कि जो काम करता है मेरे लिए सो आइडेंटिफाइंग द चैप्टर आपने पीवाई क्यूज को स्टडी किया लिस्ट बनाई कि कौन से कॉन्सेप्ट बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नंबर थ्री मस्ट टू आपने अपने टीचर का लेक्चर अटेंड किया लेकिन इतना ही काफी नहीं है वैसे मैं चाहती तो यहाँ पे रुक जाती बट आई थिंक यू शुड नो दैट इज नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसेस में जब आप अपने टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हो मेक योर ओन नोट बहुत जरूरी है अगर आपको सिंसियरली करना है तो आपको ये करना पड़ेगा आप अपने नोट्स बनाओ जैसे जैसे वो टीचर बोलता जाता है बनाओ वो नोट उसके बाद में अपने खुद के नोट्स बनाओ एंड स्पेशली हाईलाइटिंग दो टॉपिक्स जो कि बार बार पूछे गए हैं ठीक है थीके? लेक्चर so, आपने बनाए नोट बनाए उसके बाद में आप उसको रख दो ऐसा मतलब, नहीं कि आज पढ़ा फिर मैं अगले, से अगले, हफ्ते, उसको अगले हफ्ते पढ़ूंगा नो no. आज पढ़ा कल छोड़ दो परसों उसको दोबारा उठाओ फिर उससे अगले दिन छोड़ दो उसके अगले दिन दोबारा ऐसे ऐसे करके आप उसने को, उसने तीन बार हफ्ते में जरूर उठाना है चौथी बार मान लीजिए संडे वो दिन है

इसके लिए मैंने एक और वीडियो यार ऑलरेडी डाल रखी है दैट इज हाउ टू रिवाइज और हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन वन आवर तो बेसिकली वो रिविजन के लिए ही है हाउ टू कंप्लीट ये आपको मिल जाएगी हम इस पे कंप्लीट अ चैप्टर इन वन आवर ठीक है

तो करना और एक और चीज बताना कि मुझे भी पता लगे कि आपको एक्चुअल में कौन से जो टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं यार बायोलॉजी है के वो टफ लिखते हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन uh, में मेंशन करना ठीक है आई विल रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स सो थैंक यू वेरी मच गाइस थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से टिप्स लेके ऐसे ही आपके जनरल टॉपिक्स पे बात करने के लिए ओके सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट